भाई लाऊं बढ़िया चना सब आ रहे जो मजो खूब मजा आ रही हो ना खूब खा रहे पापड़े है ना ब्याह शादी में। तो दोस्तों ब्याह शादी भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। मतलब आपका एक सरकारी नौकरी जॉब पाना है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन जरूरी है दोस्तों, सूचना तकनीकी जो नया चैप्टर ज्वाइन हुआ है उसके बारे में आप उनको अच्छे से पढ़े। मैंने सीरीज चालू कर रखी, तो मैंने पिछले भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना उसको। तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको यहाँ से, और क्वेश्चन गलत होते हैं ना यहाँ से अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो स्कैनर एक डिवाइस है, क्या है इनपुट डिवाइस, ध्यान रखना। फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो देखो ये फॉन्ट, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये भी फॉन्ट ही है। मान लो इसको कंप्यूटर में ले जाऊंगा और टाइप करूंगा, तो इसको मोटा करना है तो कंट्रोल भी दबाऊंगा, ध्यान रखना। आप जाओगे ना दबा कंप्यूटर चलाओगे तब सीख लेना, कुछ नहीं कंट्रोल बटन दबाओगे लिखोगे सेलेक्ट करके, हाँ तो कंट्रोल बी दबा देना। एमएस वर्ड का भाग है तो कहाँ जाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डाटा टाइपिंग में अधिकतर काम आवा, तो मुख्य का भाग है। टाइटल बार भी है, मेन्यू बार भी दे पाया, टूल बार भी दे, बड़े अच्छे से घोट लो, बड़े पढ़ लो है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाओगा, बात पक्की है। क्योंकि जमानों खराब चल पाया हूँ आजकल, कमाई तो कैसे भी कर सका पर एक सरकारी नौकरी मिल जाओ था ना। तो मम्मी पापा कितना खुश रहे, हाँ खेती करे था, दुकान चलावा है ना, जो भी कुछ करे घो मजा होगा है ना, मेहनत करो है ना। निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो TXT नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है, TXT नहीं है। तो ग्राफिकल फाइल GIB है ना, देखो था फोर नंबर पर जाओ है तो वहाँ वो GIF में मांगा, BMP ना मांगा या JPG मांगा, तो GIF नहीं मांगता, BMP भी नहीं मांगता, JPG मांगता है जब आप फॉर्म भराने जाते हो किसको, जैसे फोटो सिग्नेचर है ना जो भी डॉक्यूमेंट है। तो इसमें तो ऑप्शन आएगा TXT, क्योंकि ये ग्राफिक फाइल नहीं है, TXT की फाइल है दोस्त, विंडोज प्रोग्राम कंपनी ने बनाया है। तो था जाना का साइरिक्स, BPL या फिर इंटेल, इंटेल का कोई नहीं है तो यो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका है ना। मॉनिटर पर डाटा जिन बिंदुओं द्वारा खींचे जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पिक्सल, क्या बोलते हैं दोस्त, पिक्सल। मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाने वाले पॉइंटर को नियंत्रित करता है, वो करता है माउस है ना, माउस एक डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है दोस्तों, मैंने पहले बता दिया। सीडी रोम है एक, ऑप्टिकल रोम, ऑप्टिकल मेमोरी, सीडी रोम क्या है एक ऑप्टिकल। अब आप जानते हो सीडी रोम होती क्या है, अरे सीडी रोम वो होती है जब पहले सीडी, अभी भी बनती है सीडियाँ, और ये इससे कंप्यूटर में विंडो डालती है और ये सीडी लगा देते थे इसमें खूब सॉन्ग है ना म्यूजिक, मतलब पहले क्या होता था फिल्म भी इसमें आती थी ऑप्टिकल डिस्क में। तो ये क्या है ऑप्टिकल डिस्क, हालांकि उसमें भी ऑप्टिकल ही रहता है, हार्ड डिस्क में भी सीडी रोम है एक ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक पॉइंटर संकेतक जो स्क्रीन दर्शक पटल पर दिखता है को नियंत्रित करता है, तो माउस, ध्यान रखना माउस एक वो दिखता है पॉइंटर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भिन्न को अलग करें, तो भिन्न को अलग क्या करेंगे, माइक्रो कर देंगे, क्योंकि माइक्रो और में गर्म होता है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं हो सकता, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ये किसके हैं केबलों के नाम है दोस्तों। एल्गोरिथम के आरेख को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, क्या बोलेंगे उसको, फ्लो चार्ट, ध्यान रखना फ्लो चार्ट किसको बोलेंगे, एल्गोरिथम। तो दोस्तों चैनल को आप उसे सब्सक्राइब करो यार, ऐसे फिर मज़ा आओ। HTML में एम का मतलब कहाँ ही छुपाया हूँ, मार्कअप जानता हूँ मार्कअप, अरे यार मार्कअप मार्कअप, एम से मार्कअप, मशीन मत भरना, मार्जिन मत भरना, मॉडलिंग मत भरना, प्रिंटिंग विधि के आधार पर प्रिंटर के प्रकार है, तो था जाना करेक्टर प्रिंटर है। पेज प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, उपयोग सभी, तो करेक्टर भी है ना छापते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले जो मार्कशीट बनती थी वो बनती थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ध्यान रखना पुराने ज़माने में है ना।
बढ़ते हैं आगे कि प्रिंटर प्रिंटिंग विधि के आधार पर प्रिंटर के प्रकार कौन से हैं। लाइन प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन साधनों का साझा उपयोग, उस विश्वसनीयता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य साधनों का साझा उपयोग, कम्युनिकेशन, विश्वसनीयता। 1000 बाइट का अर्थ क्या है? 1000 बाइट का अर्थ है दोस्तों 1 किलो बाइट। तकनीकी आधार पर प्रिंटर का प्रकार है। अब देखो तकनीकी यहाँ भी आ गई, तो कितने इम्पोर्टेंट है। तकनीकी आधार पर प्रिंटर का प्रकार बताओ, तो दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर भी है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी है दोस्तों, ध्यान रखना। आउटपुट इकाई का उपकरण क्या है? तो आउटपुट इकाई का उपकरण है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। आउटपुट जो इकाई है, मॉनिटर भी है, स्पीकर भी, प्रिंटर भी है। मेमोरी कैपेसिटी के माप की कौन सी इकाई नहीं है? तो लोगो, ध्यान रखना लोगो नहीं है मेमोरी कैपेसिटी के माप की इकाई। सॉफ्टवेयर होता है तो एक प्रोग्रामर का समूह होता है दोस्तों, प्रोग्रामों का समूह। ALU का अर्थ क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसको बोलते हैं ALU। निर्देशों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का संचालन होता है वह कहलाता है, तो कहलाता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि निर्देशों का समूह भी है और इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का भी संचालन होता है, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये थी वीडियो, है ना, 487 तक। और वीडियो बनाऊंगा मैं, 2-3 हज़ार क्वेश्चन मेरे पास कम नहीं है, बीतेंगे नहीं वो क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन देखो, तैयारी करो, है ना, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करो कम से कम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से प्यार बनाए रखो। जय हिंद। आपको परेशानी हो आवाज़ में तो आवाज़ फुल कर लिया करो, और एकांत में पढ़ा करो, और थोड़ी फास्ट कर लिया करो वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।